वो तो छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारा दूसरा इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। अरे बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है जो तुम पानी नहीं पिला सकते हो? क्योंकि तुम मेरे हाथ से पानी पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते भैया, हम तो मरे हैं, हम क्यों नहीं पिएंगे? इसलिए आप नहीं ना जानते कि हम कौन हैं। तो कौन हो? अरे हम वो हैं, सुबह झाड़ू लगाते हैं, दिन में जूता सिलते हैं, शाम को धोबी घाट पर कपड़ा धोते हैं। आपकी जात यहाँ है, हमारी यहाँ है। अब बताइए आप हमारे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? ये तो सच में बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो कहा था कि बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भैया हमें तुम्हारे हाथ से पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस पानी पिला दो। नहीं भैया, अगर सब कुछ जानते हुए भी हमने आपको पानी पिला दिया तो हमको पाप लगेगा, नर्क में भी हमको जगह नहीं मिलेगी। अरे ये तुम्हें कैसे मालूम? शास्त्रों में लिखा है। अरे नहीं लिखा भैया, कहीं नहीं लिखा, किसने कहा? हाँ पंडित लोगों ने बोला, सब पंडित बोलते हैं। अरे मर जाऊंगा भैया, पानी पिला दो वरना ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। पानी पिला दिए तो शास्त्र हत्या हो जाएगी, हमसे ऐसा पाप न कराइए। अरे पिलवा दो भाई पानी, आशीर्वाद दूंगा स्वर्ग जाने का, मोक्ष दिला दूंगा। एक ब्राह्मण को पानी पिला दिया हमारा मोक्ष का या चूल्हा में, ऐसा पाप न कराइए। भैया अब जान में जान है भाई, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचा दी। ये तो हमारा फर्ज था पंडित जी, लेकिन ये फर्क तो आप में और हम में हमेशा रहेगा। हमारे दलित भाई प्यास से मर गए, लेकिन आपकी ऊंची जात वालों के कुएं से उनको एक पानी की बूंद भी नसीब ना हुई। ये तो परंपरा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो बहुत ज्ञानी हैं पंडित जी, हम तो निपट गवार हैं, पर बस एक बात समझा दीजिए, सदियों से हमारे हाथ का छुआ खाना आपके लिए अशुद्ध हो जाता है। हमारा छुआ हुआ पानी भी आप ग्रहण नहीं करते, ऐसा कार है हमारे हाथों में। भैया ये तो मैं नहीं जानता, पुरानी प्रथा है। प्रथा? सती प्रथा भी तो थी, लेकिन जब आप लोगों ने अपनी लड़कियां जलती हुई देखी तो बदल गई प्रथा। पंडितों के लिए तो समुद्र पार करना भी वर्जित था, लेकिन जब ट्रॉलर देखे तो बदल डाली प्रथा। ये भी तो प्रथा थी पंडित जी कि ब्राह्मण पुरोहित रहेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा, लेकिन जब लोकतंत्र आए मंत्री प्रधानमंत्री सब पंडित बन गए राजा। जब पूंजी का युग आया तो आप पंडितों ने खोल ली बड़ी बड़ी कंपनियां, बन गए पूंजीपति, बन गए वैश्य, और तो और जब कारोबार में फायदा दिखा तो पंडितों ने जूतों की फैक्ट्रियां लगा ली। हम जूता बनाए तो छोटे आदमी, वो जूता बनाए तो बड़े आदमी। बात जमी नहीं पंडित जी? अपने लिए तो प्रथा बदल देते हो, पर हम दलितों के लिए तो कभी प्रथा नहीं बदली। अब समाज का ढांचा ही ऐसा है, समाज के ढांचे का क्या कर सकते? तो फिर तोड़ दो ना ऐसा ढांचा पंडित जी। ढांचा बनाने वाले तुम, तोड़ने वाले तुम। तो एक बार हम नीच जात वालों के लिए इस ढांचे को बदल दो पंडित जी। ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये सब तो बड़े बड़े शास्त्रों और धार्मिक किताबों ने लिखा। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जैसे विद्वान ने कहीं लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन तुलसीदास जी को क्या ये भान नहीं हुआ कि ढोल को तो पीटा जा सकता है, उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, प्राणवान हैं, चोट लगने पर हमें भी दर्द होता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने जो कहा वो सच है? जिस तुलसीदास ने राम जैसे महान चरित्र को लिखा, राम जैसे महान आदर्श को लिखा, मुझे नहीं लगता कि तुलसीदास जी ऐसा लिख सकते। पर अगर ये पंक्तियां तुलसीदास ने ही लिखी हो तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तुलसीदास जी के ज्ञान में संदेह है। पंडित जी शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए और हम शूद्र पैरों से, क्या मनुष्य मनुष्य में ये भेद स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है? बिल्कुल नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर इस बात को कहें तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। पर आपको क्या मालूम है पंडित जी,
सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा के कारण हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों दलित भाई, कोई बौद्ध बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, क्या पंडितों को रुचि जात वालों को यह दिखाई नहीं देता कि उनकी जिद के कारण, इस कुप्रथा के कारण सदियों से हिंदू धर्म विभाजित रहा है। सही कहा दोस्त, अगर हम दलितों को नीच कहकर उनका अपमान करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो फिर क्यों रहेंगे वो हिंदू धर्म, चले जाएंगे दूसरे धर्मों में। और तो और, अंबेडकर जैसी महान आत्मा और बुद्धिजीवी हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध बन गए, और अगर हम अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व का सम्मान नहीं कर सकते तो धिक्कार है। पंडित जी, अगर आप सब जानते हैं तो क्यों नहीं अपने समाज में ये आवाज उठाते, क्यों अपनी ऊंची जात वालों को नहीं समझाते कि अगर वो नहीं बदले तो लोग अपना धर्म बदल लेंगे, और अगर लोगों ने अपना धर्म बदल लिया तो भारत में एक और पाकिस्तान, एक और बांग्लादेश बन जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते पंडित? जब तुम प्यास से मर रहे थे, क्या तुमने अपने जाति की परवाह की? अरे चाणक्य भी तो अकेला था, और उसने अकेले अकेले पूरे भारतवर्ष को एक कर दिया। अरे पंडित, गौतम बुद्ध भी तो अकेले थे, लेकिन उन्होंने एशिया में पूरे धार्मिक क्रांति ला दी थी। महात्मा गांधी भी तो अकेले थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। अरे पंडित, तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम्हारी जाति का कोई ब्राह्मण या ठाकुर खड़ा हो जाए इस कुप्रथा के खिलाफ, तो हम क्या, पूरे देश का कल्याण हो जाएगा, पूरे दलित समाज का कल्याण हो जाएगा। अरे भारत के लोगों, जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उस तरीके से जाति तोड़ो आंदोलन क्यों नहीं चल सकता? यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत का उद्धार कोई नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी भारत का उद्धार नहीं कर सकते। 1000 साल तक की गुलामी जो हमने सही है, उससे भी बदतर जीवन हमें भोगना पड़ेगा। और अगर